अब उस बोरिया के ना कमांडेंट का फोन आया है, पर वो तो बता देने क्या करें उसका। अब हम सुनो, अब हमने कोई पोस्टमार्टम नहीं कराना, हम तो रे बैठा था शहीद को दर्द होती है, फिक्स नहीं, चाहे दो महीना हो जाओ चार महीना हो जाओ, डेड बॉडी उड़े रहेगी, अरे गाड़ी उड़े रहेगी। पोस्टमार्टम नहीं कराना तो करना पहले पूछना चाहिए, कल तक इंतजार करोगे तो पोस्टमार्टम में उतनी ही गलत रिपोर्ट बनेगी, क्योंकि बॉडी उतनी ही ज्यादा डिकम्पोज होती जाएगी। भाई अगर हम कल तक इंतजार करेंगे और हमें न्याय दिलाना है तो जितनी जल्दी पोस्टमार्टम रीपोस्टमार्टम हो उतना अच्छा है। अब ये आपके ऊपर है कि उसको किस तरह से करना चाहते हो आगे जाके रिपोर्ट के अंदर, क्योंकि जो उन्होंने एक बार पोस्टमार्टम कर लिया, अब वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी, और इधर की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अगर सही नहीं आएगी तो फिर जो कराने का फ़ायदा कुछ नहीं होगा। या तो हम करें तो जल्दी करें काम, इसलिए हमने बोला है चाहे रात हो चाहे दिन हो, हमें तो आज ही कराओ, हमें तो आज ही कराओ। भाई अगर अगर हमें कुछ सलूशन करना है तो आज ही करें ना, पर कल के लिए क्यों इंतजार कर रहे हैं? गाड़ी वही जाएगी भाई, हम दाह संस्कार तो कल कर लेंगे, दाह संस्कार तो कल हो जाएगा, वो भी वैसे भी कल होना है, अगर आप बॉडी कल लेके जाओगे वो तो कल ही होगा, लेकिन हमारा जो मेन उद्देश्य है कि इसके साथ कोई गलत काम तो नहीं हुआ, तो उसके लिए तो जितना जल्दी बॉडी अगर डिकम्पोज हो गई तो फिर वो डॉक्टर क्या निकाल लेगा, गाड़ी में कर देंगे या गाड़ी वो मोचरियाल कमर मारो देखो ना खूब उम्र है के अंदर से खराब हो पड़े पूरा सिस्टम है ना चेक किया हुआ है, तो वो बच्चा सड़क पे थोड़ी खुल जाएगा, ये बॉडी जनरल मोहित जी एक बात है, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये प्रूव कर देगी कि ये सुसाइड है या नहीं है? सर कुछ भी नहीं प्रूव करेगी, पोस्टमार्टम सिर्फ ये बताएगी कि गोली लगी और गोली से इसके ये आपने वो हम समझाएं भाई साहब, मेडिकल बोर्ड से है को मेडिकल टीम आओ टीम से जांच है कि जयपुर जाएगी सारी चीजें होंगी। अब आप लोगों कहने से बुलवा दिया, करवाना चाहो तो भाई 10 मिनट में करवा लो, नहीं अंधेरा हो जाएगा फिर वो आप जानो पोस्टमार्टम तो करवा लो सर, लेकिन जो प्रूफ वाली चीज है जिसके लिए लड़ रहे हैं अपने भाई साहब, वो तो ऐसे फल से जांच होके आएगी, कैसे क्या हुआ वो अपने हाथ में खुना बिछरा जाएंगे तीन चार सारी जाएंगे, छाती को पेट को अंडकोश को अंधेरा करते हुए बोलो भाई सरपंच पटो तो सर पूरे पूरे कर देगा क्या है कि कलेक्टर के स्पेशल आदेश हुए हैं जिसके अंदर डिस्ट्रिक्ट सारी चीजें रिकॉर्ड भी होगी और डिस्ट्रिक्ट बनेगी हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में ही होगा, पर आपकी मौजूदगी में होगा सब लोग चले चलो, उसमें कोई मनाही थोड़ी है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट हो जाएगी। आज हम बैठे क्यों यहाँ पे, जो चीज प्रूव ही नहीं हो रही कल इनको वापस हम इनका अंतिम क्लियर करेंगे। सुनो पोस्टमार्टम तो अच्छी बात से करवा लो, करवाने के बाद में और थम भी समझदार सो अपन फैसलो ले लो, पोस्टमार्टम करे पीछे अपना डेड बॉडी सौंपे अभी थोड़ी दस्तक लेगा आज बा हम सौंप ली ना ना लिया आज कर लेना भाई, लेकिन अपन जो पहला काम है अगर हम यही या तो अभी कराना है या सुबह कराना है, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कराना है तो अभी कराओ, उसमें भाई गांव में थोड़ी जा रही है, वही आप ही करोगे दाह संस्कार, दाह संस्कार पे कोई नहीं कह रहा, और ये भी है कि पोस्टमार्टम के लिए भी ये फोर्स नहीं कर रहे, ये तो हमने फोर्स किया है जबरदस्ती कलेक्टर से बात करके, अब भी करो ये आप खुद ही कह रहा था, बोले अभी करो। हाँ हाँ हमारा पर्पज क्या बैठने का सर, अभी वो बैठे रहना, अभी पोस्टमार्टम कराना है कि नहीं कराना है, करवाना है तो भाई अब सीधी सीधी बात है, करवाना है तो अभी करवाए वरना लेट हो जाएगा, तो छोड़ ले एक दिन, फिर हमारी सारी मेहनत जो आज की है जो उनसे बात करें वो खराब हो जाएगी, जो हमारे हाथ में हम वो काम करें ना। भाई साहब सुनो, अभी अब उस बोरिया के ना कमांडेंट का फोन आया है,
पर वो तो बता दे पोस्टमार्टम हम खूब करवाए थे। सुनो भाई, पांच मिश्रा जाएगा, अरे सिर को, कट को, छाती को, पेट को, रंड को, आशीर्वाद नहीं छा लय बताओगी। जयपुर की कमेटी गठित है, इसे चार डॉक्टर आएगी भाई साहब। लेकिन हम यहाँ इसलिए बैठे कि इसका एक शहीद का दर्जा मिले।